होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के बीना से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक लड़की ने झूठी कहानी रचकर पुलिस को ही गुमराह कर दिया। दरअसल सागर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की सागर स्टेशन के पास घूम रही है। उसे थाने लाया गया, पूछताछ में उसने निवास सिर्फ बीना का बताया। पुलिस ने इसकी सूचना विशेष किशोरिकाई टीम को दी। टीम के द्वारा पूछने पर उसने बताया कि वो एक लड़के के साथ यहाँ पर आई है, जो उसे छोड़कर भाग गया है। लड़की ने बताया कि बीना रेलवे स्टेशन के पास उसकी दीदी और जीजा रहते हैं, वो बीना जाना चाहती है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम उसे लेकर बीना पहुंचती है। जीआरपी थाने का मामला होने के कारण टीम उसे बीना जीआरपी थाने लेकर गई। वहां पर उसकी बहन और जीजा को भी बुलाया गया, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जहां अपने आप को नाबालिग बताने वाली लड़की बालिग निकली। इतना ही नहीं, वो शादीशुदा भी थी। टीम प्रभारी ज्योति तिवारी के मुताबिक 20 साल की युवती का पति से विवाद हो गया था, जिस वजह से वो घर छोड़कर चली गई। वो नशा करने की आदि भी है और कभी भी घर से भाग जाती है। उसकी शादी खुरई के सहुद्रा राय वार्ड में रहने वाले एक युवक से हुई है। लड़की को दीदी और उसके जीजा के सुपुर्द कर दिया है। उसे ससुराल भेजने की हिदायत भी दी गई है। सुबह 7 बजे हमें कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई थी कि एक नाबालिग बच्ची जो कि रेलवे स्टेशन पर अकेली घूम रही है, और इसको पता करके इसके माता पिता को सुपुर्द करवाना है। उसकी सूचना के बाद हमने अब इसकी कार्रवाई शुरू की। सभी थानों में इसके फोटोज वगैरह भी भेजे थे, पर कहीं भी इसका गुम इंसान कहीं दर्ज नहीं था। फिर इसकी सूचना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सुनाई, और उनके आदेश पे हम लड़की को लेकर जब लड़की से बातचीत की और पता किया, तो उसने बताया कि मैं बीना की रहने वाली हूँ, मेरी बहन हुई बीना में रहते, मैं उनके साथ रहती हूँ, और मैं किसी लड़के की बातों में आके यहाँ आ गई थी सागर। और फिर हम जब उसको लड़की को लेकर बीना पहुँचे तो पता चला जीआरपी का मामला है। और जब हम जीआरपी थाने पहुँचे तो वहाँ जाके लड़की से हमने बातचीत, मतलब वहाँ के लोगों से बातचीत की, पता चला तो पता चला ये लड़की नाबालिग भी नहीं है, बालिग है और शादीशुदा भी है, और ये अपने पति से मारपीट की झगड़ा करके ही सागर भाग गई थी। और जब इसकी बहन बहनोई को बुलवाया तो उनने भी यही बताया कि ये शादीशुदा है और ये जब चाहे जब भाग जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये नशा भी करती है। अभी हमने इसके बहन और बहनोई को दोनों को समझा के लड़की को उसको सुपुर्द कर दिया है, और उसके पति को भी पता करवा रहे हैं, जहाँ भी मिलता है तो उसको बुलवा के लड़की को सुपुर्द करवा देंगे। बीना से रामकुमार अहिरवार के साथ मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम, बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास। शादी समारोह, सगाई, बर्थडे पार्टी, संपूर्ण कैटरिंग व्यवस्था, मनमोहक साज सज्जा के साथ, इंडोर डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग, सीसीटीवी से सुरक्षित एरिया। हमारा पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7489288455, 9630118455।